तो आपको मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही दिखाऊंगा कि कैसे आप YouTube से अपना कॉपीराइट क्लेम हटा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपको अपने ब्राउज़र ओपन करना होगा, क्रोम ब्राउज़र। तो चलिए ओपन करते हैं क्रोम ब्राउज़र को। हमारा क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया, यहाँ पे हम जाएंगे YouTube पे, YouTube.com। हमारा YouTube.com भी ओपन हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो भी वीडियो, जो भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ रहा है, तो उसी भी चैनल का आपको क्या करने का है, इसको ओपन करने का। ठीक है, ये मेरा चैनल का है, मोहन निसार ऑफिशियल, मौला निसार ऑफिशियल का। तो दोस्तों आपको सब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं साइट पे, थ्री डॉट के नीचे। तो दोस्तों वहाँ पे मेरा पिक आ रहा है, पिक के नीचे कुछ उसके नीचे और दिख रहा है कि वीडियो का ऑप्शन। इस वीडियो का ऑप्शन को हम लोग क्लिक करेंगे, कंटेंट को। जैसे कंटेंट को ऑपन करेंगे तो अपना ऑडियो लाइब्रेरी ओपन हो जाता है और वीडियो ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस ऊपर वाले क्लिक को टच करेंगे और अपना डेस्कटॉप साइट को ओपन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये यहीं से रिमूव होगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा आ गया, अपना ओपन हो गया डेस्कटॉप। अब जो भी वीडियो हमारे कॉपीराइट आ रहा है, कॉपीराइट क्लेम, अब वहाँ पे चलते हैं। मेरा तो मैंने सभी को लगभग नॉन कर दिया है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ इस कॉपीराइट क्लेम पे। ये देखिए दोस्तों, मेरे बर्थडे वाले पे आया है कॉपीराइट क्लेम। ये देखिए कॉपीराइट क्लेम दिख रहा है और इसको 26 और 11 लोगों ने देखा है। ठीक है ना, दो वीडियो को, तो मैं इसमें से एक वीडियो को मैं आपको कॉपीराइट क्लेम को हटा के दिखाऊंगा। तो चलिए इसी एक को ओपन करते हैं। चलिए मैं इसको ओपन करते रहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सी डिटेल्स आ रहा है, तो इसी को ओपन टच करना है आपको। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ लिख के आ रहा है नॉट इफेक्टेड, मतलब आपका इस ये वो वीडियो को कुछ इफेक्टेड नहीं पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आपका वीडियो पब्लिक रहे या फिर प्राइवेट रहे, ये सभी ठीक है ना। और ये इनेजेबल है, मतलब आप किसी प्रकार को वीडियो भी सब गाना भी ऑन हो गया, कम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आ रहा है कंटेंट यूज्ड, मतलब ये जिस भी व्यक्ति का इसको अपना सभी का सभी व्यूज जाता है, इनको चला जाता है। और हमारा कॉपीराइट आया है सॉन्ग, वो उसके यहाँ पे दिखा रहा है क्लेम टाइप सॉन्ग का। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, 0 से लेकर 16 सेकंड का मेरा वीडियो है, ऑडियो जो कॉपीराइट आया है। दोस्तों इसको हटाने के लिए यहाँ पे देखिए एक्शन में जाएंगे, सेलेक्ट एक्शन। यहाँ पे दिया है रिप्लेस सॉन्ग एंड मल्टी सॉन्ग। रिप्लेस सॉन्ग मतलब हम गाना चेंज कर सकते हैं, और म्यूट सॉन्ग मतलब ऑडियो ही बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम ऑडियो को बंद नहीं करेंगे, रिप्लेस करेंगे, दूसरे सॉन्ग इस पर लगाएंगे। तो चलिए इस पर टच करते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे अपना। अब यहाँ पे देखिए फ्री म्यूज़िक, जो गूगल के सॉरी यूट्यूब की तरफ से है फ्री म्यूज़िक, इसी को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट भी है, यहाँ पे अगर वीडियो सेलेक्ट किए तो भी रहेगा। ऑडियो लाइब्रेरी है साइड में, आप किसी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों मैं ऐसे फ्री म्यूज़िक पर अपना सर्च करूँगा, क्योंकि बर्थडे का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सर्च करने वाला हूँ बर्थडे के अवसर पर, सर्च कर लिया। दोस्तों बर्थडे के लिए कुछ आ गया है, आप इसमें से आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहते हैं पहले सुन लीजिए, फिर उसका आप सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे।
ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसी को ऐड कर रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉपीराइट यहाँ से हट जाएगा। फिर दोस्तों अब उसके लिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद आगे आता है अपने पास सेव का, यहाँ पे देख रहे हैं आप सेव का। चलिए दोस्तों इसको सेव कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे भी कुछ लिख के आ रहे हैं, तो आपको मैं हिंदी में दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव करना पड़ता है, इसको सक्सेसफुली हो गया बोल रहा है। देखिए दोस्तों ये अपना हो गया, अभी प्रोसेसिंग पे होगा। मैं अभी आपको इसको दिखा रहा हूँ आगे की प्रोसेसिंग पे, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये वाली वीडियो है, ये नीचे वाली, ये वाली वीडियो है, ठीक है दोस्तों। जो वन फाउंड लिखा है ये सेकेंड वाली चेकिंग पे, ये प्रोसेसिंग पे है दोस्तों। अभी कुछ टाइम में ये कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा और नॉन आएगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, कॉपीराइट क्लेम हटा या नहीं हटा है दोस्तों। ये बर्थडे वाली थे, दो बर्थडे वाला था, तो दोनों में से एक को मैंने किया था, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों अपना कॉपीराइट क्लेम हट गया है, नॉन आ गया यहाँ पे। ये इसके नीचे भी था जिसको मैंने कॉपीराइट क्लेम को अभी हटा दिया। तो दोस्तों आप इस प्रकार से अपना कॉपीराइट क्लेम को हटा सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें।